सब्सक्राइब कीजिए टेक समाचार मीडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक और वायरल न्यूज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही चैनल टेक समाचार मीडिया में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज बात करने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे लैपटॉप के बारे में जो होने वाला है 30,000 के अंदर। यूं कहें कि इस लैपटॉप का जो रेंज है वो 25 से 30 और 20 से 25 ऐसे करके रेंज मैंने रखा है। इसके अंदर जो 5 लैपटॉप होने वाला वो बेसिकली मतलब स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हैं, बट आप इसमें थोड़ा बहुत नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं, नॉर्मल मतलब थोड़ा वीडियो एडिटिंग टूल को यूज कर सकते हैं, बट डे टू डे यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन लैपटॉप होने वाले हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर आप इन पाँचों में से किसी एक लैपटॉप को ख़रीदते हैं तो इतना जान लीजिए कि ये पांचों लैपटॉप 30,000 के अंदर आते हैं। इसके सिवा आप किसी भी लैपटॉप को कंपेयर नहीं कर सकते अंडर 30,000। ठीक है, तो चलिए वीडियो के जो पहले नंबर पे है, इस लिस्ट के पहले नंबर पे जो है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट के पहले नंबर पे जो लैपटॉप है वो है, आपको देखने को मिलता है डेल के तरफ से, डेल इंस्पिरॉन 3595 एपीयू ड्यूअल कोर A6 7th जनरेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि डेल जो है वो बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड्स इन द पीसी इंडस्ट्री। मतलब इसके अंदर अगर स्पेक की बात करें दोस्तों, तो आपको इसका जो यह जो मॉडल है इसके अंदर आपको मिलता है 1 TB 1 TB HDD का इंटरनल जो स्टोरेज है वो मिल जाता है। इसके अंदर प्रोसेसर की अगर हम बात करते हैं तो AMD APU ड्यूल कोर A6 मिलता है, AMD के तरफ से जो प्रोसेसर मिलता है। इसके अंदर रैम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर रैम मिलता है आपको 4GB DDR4 का रैम मिल जाता है। इसके अंदर अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम का बात करें तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit होम। आगे बात कर लेते हैं इसके स्क्रीन साइज़ की, तो इसका स्क्रीन साइज़ जो होने वाला है 15.6 इंच का। जो छठा जो स्पेक की बात करें हम, तो इसके अंदर जो प्राइस होने वाला है वो इसका प्राइस जो है, आप जब ख़रीदेंगे इसको तो आप देखेंगे, चाहे आप अमेज़न पे देखिए या फ्लिपकार्ट पे देखिए, तो आपको 23,000 के अंदर मिल जाएगा, 23,000 के अंदर आपको मिल जाएगा। इसका बैटरी बैकअप, मतलब बैटरी बैकअप आपको इसका अप टू 4 आवर दे देगा। अब दूसरे नंबर पर जो लैपटॉप है दोस्तों वो है HP के तरफ से, HP 15 राइजन 3 डुअल कोर। ठीक है, तो ये जो लैपटॉप है इसके अंदर अगर आप बात करते हैं तो ये अगर आप एक स्टूडेंट हैं और या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए इतने अच्छे बजट में ये लैपटॉप सबसे बेहतरीन होगा। इसके अंदर हम अगर स्पेक की बात करें तो इसका स्टोरेज होगा वही 1 TB HDD हार्ड डिस्क जो होगा, हार्ड डिस्क ड्राइव 1 TB का होगा। इसके अंदर प्रोसेसर जो होगा वो होगा AMD राइजन 3 डुअल कोर, AMD के तरफ से AMD राइजन डुअल कोर मिलेगा आपको। और इसका रैम की बात करें तो इसके अंदर रैम सेम मिल जाता है जो डेल में है, 4GB DDR4 का रैम मिल जाता है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम सेम 64-bit का जो है विंडो 10 होम मिल जाएगा आपको। इसके अंदर अगर हम स्क्रीन साइज़ की बात करें तो इसका भी स्क्रीन सेम है 15.6 इंच, मतलब कि 15.6 इंचेस। और इसका प्राइस की अगर हम बात करते हैं, सॉरी दोस्तों थोड़ा मैं अपना गाँव से वीडियो शूट कर रहा हूँ तो गाँव में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बिहार से हूँ और बिहार में बहुत ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं फ़ैन बंद करके चला रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मतलब एसी वेसी का सुविधा नहीं है तो थोड़ा पसीना आ रहा है, माफ़ करेंगे। तो इसका जो प्राइस होगा दोस्तों वो होगा 27,950 रुपये अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं, या ऑफलाइन का मुझे उतना आइडिया नहीं, लेकिन ऑनलाइन मैं बता सकता हूँ अमेज़न पे या फिर आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे ये 27,950 रुपये में। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पे लैपटॉप है वो है लेनेवो के तरफ से, लेनेवो का IdeaPad 130 Core i7 जनरेशन। दोस्तों, इसके अंदर आपको एंटी ग्लेयर TN पैनल और 2.3 GHz का आपको इंटेल कोर i3 का 7th जनरेशन देखने को मिल जाएगा। इसकी हम अगर स्पेक की बात करते हैं तो स्टोरेज होगा इसके अंदर वो 1 TB HDD होगा। इसके अंदर आपको प्रोसेसर जो होगा वो होगा इंटेल कोर i3 7th जनरेशन। इसका अगर हम रैम की बात करते हैं तो इसके अंदर जो रैम होगा वो होगा DDR4 का आपको 4GB रैम। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सेम 64-bit विंडो 10 होम मिलेगा आपको इसके अंदर। इसके अंदर स्क्रीन साइज जो होगा वो 15.15.6
6 इंच आपको मतलब देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो प्राइस होगा वो होगा आपको, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो इसका प्राइस वहाँ पे आपको दिख जाएगा 25,490 रुपीज़। अगर हम आप चौथे नंबर के लैपटॉप के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो जो मैंने जो चौथे नंबर पे जो लैपटॉप रखा है वह HP के तरफ से, फिर से HP 15S Ryzen 3 थिन एंड लाइट लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, भरोसा करिए लैपटॉप बहुत ही तगड़ा है और बहुत ही स्लिम और बहुत ही मतलब लाइट वेट है। ये जो लैपटॉप है वो बेसिकली स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत ही लाजवाब लैपटॉप है। तो देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन से आपको मिल जाएंगे। ये लैपटॉप के अगर हम स्पेक की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको स्पेक में देखने को मिल जाएगा, आपको स्टोरेज जो मिलेगा इसका 256 GB SSD देखने को मिल जाएगा। SSD दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर आपको 30,000 तक का रेंज है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सारे लैपटॉप, नहीं तो अगर आप 30,000 से ऊपर जाते हैं तो मैं यही प्रीफर करता हूँ कि HDD के जगह पे आपको SSD लेना चाहिए। तो SSD का है कि बहुत लैपटॉप फास्ट हो जाता है, बूट अप टाइमिंग ये वो प्रोसेसिंग या मल्टीटास्किंग बहुत मतलब बहुत फास्ट है, लेकिन अगर डाटा सेव की बात करते हैं तो वहाँ पे SSD पीछे है, वहाँ पे HDD ज़्यादा है, क्योंकि HDD में जो आपको मिलता है बहुत ज़्यादा स्टोरेज का कैपेसिटी मिल जाता है, आप बहुत सारे डाटा एक ही लैपटॉप में, आपको कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बट अगर आप SSD यूज़र हैं तो शायद आपको अगर आपके लैपटॉप में एक्स्ट्रा एक वो दिया हुआ है कि आप HDD लगा सकते हैं, स्लॉट दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं तो आपको जो बहुत ज़्यादा फिल्म और बहुत ज़्यादा डाटा, बहुत ज़्यादा चीज़ें, आप फोटोज़ ये वो बहुत सारे पुरानी चीज़ें नई चीज़ें रखना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेना पड़ता है जिसके पास SSD वाला लैपटॉप हो। तो वही इस लैपटॉप में जो है वो SSD का आपको स्टोरेज देखने को मिल जाएगा 256 GB, प्रोसेसर AMD Ryzen 3 डुअल कोर मिल जाएगा, रैम 4GB DDR4 का रैम मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit विंडो 10 होम मिल जाएगा। आपको प्राइस जो इसका होने वाला है दोस्तों, और इसका जो साइज़ होगा वो होगा 15.6 इंच का। आपका जो इसका प्राइस होने वाला है वो 31,471 रुपया होगा दोस्तों। अब पांचवें नंबर पे जो मेरा लैपटॉप है इस लिस्ट में, मेरा नहीं इस लिस्ट का जो पांचवा नंबर का लैपटॉप है वो है आसूस के तरफ से। दोस्तों आसूस भी आज के डेट में डेल और HP ये सब का कंपेयर करते हैं तो आसूस भी एक सेकेंड ब्रांड ऐसा है डेल के बाद जो मार्केट में PC इंडस्ट्री में बहुत तगड़ा अपना पोजीशन बना के रखा हुआ है। तो आसूस के तरफ से आपको मिल जाता है दोस्तों जो लैपटॉप है वो है आसूस E23MAH। तो इसके अंदर आपको जो अगर हम स्पेक की बात करते हैं तो इसके अंदर स्टोरेज मिल जाता है आपको 500 GB HDD। यहाँ पे मतलब HDD 500 GB थोड़ा मतलब हाँ, लेकिन हाँ स्टूडेंट पर्पज़ के लिए ले रहे हैं या वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है ऑप्शन, अच्छा है। 500 GB HDD कम नहीं है जहाँ पे आप 256 GB SSD यूज़र हैं। मैं खुद Lenovo ThinkPad यूज़ करता हूँ दोस्तों, उसका मैं पॉजिटिव रिव्यू तो अभी तक नहीं बना पाया, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम आए थे तो मैंने उसका रिव्यू बनाया था जो कि मैं आपको आई बटन लिंक में दे दिया हूँ, देख लीजिए ऊपर, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो वो जो मेरा लैपटॉप था 49,749 या कुछ ऐसे ही मतलब 50,000 के आसपास का लैपटॉप था मेरा, मैंने जनवरी में ख़रीदा, उसका पॉजिटिव रिव्यू अभी बहुत जल्द बनाने वाला हूँ मैं। तो वो उसमें भी मेरा जो है SSD 256 ही है दोस्तों, लेकिन 8 GB रैम है। तो SSD थोड़ा फास्ट होता है और थोड़ा मुझे वीडियो एडिटिंग और बहुत सारा चीज़ें सीखना था, बहुत चीज़ मैं कर रहा था, वीडियो एडिटिंग कर रहा था, प्लस सॉलिड वर्क्स के लिए मुझे वो लैपटॉप, मैंने बेसिकली सॉलिड वर्क सीखने के लिए मैंने वो लैपटॉप लिया था। तो वो लैपटॉप और ये लैपटॉप सोचिए कि उसमें 256 GB है जब मैंने 50,000 का लैपटॉप अभी ख़रीदा है। तो इसके अंदर एक लैपटॉप जो मैंने बताया है जिसके जो शायद HP की तरफ से था उसमें 256 GB SSD है। तो और ये जो आपका लास्ट लैपटॉप जो मैं बता रहा हूँ आसूस की तरफ से, इसमें 512 GB HDD है, तो कम नहीं है। इसका प्रोसेसर इंटेल का सेलरॉन डुअल कोर है दोस्तों, ठीक है, रैम है 2 GB DDR4 का रैम, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम 64-bit विंडो 10 होम है, स्क्रीन साइज 11.6 इंच का स्क्रीन साइज है। प्राइस आपको दोस्तों इसका देखने को मिल जाएगा मार्केट में, अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो इसका प्राइस 23,899 रुपये है। तो दोस्तों जो ये पांच लैपटॉप है ये मई 2021 का पांच ऐसा लैपटॉप है जो 30,000 के रेंज के अंदर आता है, और ये स्टूडेंट के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ और वर्किंग प्रोफेशनल लोगों के लिए और डे टू डे यूज़ के लिए बहुत बेहतरीन लैपटॉप होने वाला है।
तो उम्मीद है आप लोगों का इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा और ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा पसंद आया होगा। अगर आप लोग का मतलब इस वीडियो की वजह से थोड़ा मतलब टेंशन और थोड़ा कन्फ्यूजन दूर हुआ है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए और मेरे चैनल का इस वीडियो देखने के बाद जो चैनल का सब्सक्राइब बटन होता है उसको दबा दीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा लाइक भी कर सकते हैं, उसमें कुछ जाता नहीं आपका, अगर कर देंगे तो अच्छा होगा वीडियो में मतलब। चलिए फिर मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, बहुत ही जल्द आऊँगा आप लोगों के साथ। थोड़ा गाँव हूँ तो थोड़ा वीडियो कंटिन्यूस नहीं आ रहा है, कंटिन्यूटी नहीं बना हुआ है, तो थोड़ा उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अब से कोशिश करूँगा कि वीडियो में कंटिन्यू करके लाऊँ और अच्छे अच्छे वीडियो लाऊँगा, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत दोस्तों।